कभी कभी मनुष्य के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जहां उसके कर्म और अपनों के लिए धर्म दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। शनि सिखाते हैं कि ऐसे में यदि मनुष्य अपने कर्म को प्राथमिकता दे तो धर्म स्वयं पूर्ण हो जाता है। फेंक क्यों दी राजन? मैं मर जाऊंगा परंतु भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा। उचित भी है, मनुष्य को उस धन पर निर्भर रहना भी नहीं चाहिए जो उसने परिश्रम से ना कमाया। परंतु कब तक आप ऐसे निर्वाह कर पाओगे राजन? भिक्षा आप लेंगे नहीं और कार्य आपको मिल नहीं रहा। कई माह बीत गए और आपको वो धन भी अर्जित करना है जिसे लौटा अपनी पत्नी और पुत्र को आप फिर से पा सकें। मैंने अपना राजपाट खोया है शनि, परंतु मेरी आशा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। प्रतीत होता है तुम्हें भिक्षा में कोई रुचि नहीं है। परिश्रम से धन अर्जित करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। स्वयं को मुझे बेच दो, मेरे दास हो जाओ, कार्य करो, कमाओ धन। मुझे स्वीकार। वचन देने से पहले ये तो जान लो तुम्हें करना क्या होगा, कहीं बाद में तुम्हारा मन ना बदल जाए। इतना समय कष्ट सहने के पश्चात अंततः रानी तारामती और युवराज रोहितश्व को फिर से वैभव प्राप्त हुआ है। कुटिया छोड़कर फिर से राजभवन मिला है, परंतु ये सुख भी अधिक समय का नहीं और ना ही तुम्हारे पास समय शेष है शने, क्योंकि कुछ ही पलों में तुम्हारा नाम सदा के लिए अपयश का भागी हो जाएगा। शीघ्र ही तुमसे भेंट होगी युवराज रोहितश्व। माता, हम पिताश्री के पास क्यों नहीं लौट चलते? ये धनिक अच्छा मनुष्य नहीं है, कितना बुरा व्यवहार करता है हमारे साथ। रुको रोहिताश्री, तुम्हारे पिता शीघ्र ही आएंगे और धनिक के ऋण चुकाकर हमें यहां से लेकर जाएंगे। दिखता नहीं आंगन मेला हो गया। शीघ्र ताजा करो,
यहाँ पर महारानी नहीं दासी हो। परिश्रम करोगी तो भोजन मिलेगा। आप मेरी माता से ऐसे बात नहीं कर सकते। ओहो, तो तुम्हारे मुख में भी शब्द आ गए। दृष्टि नीचे करो अपनी दासी पुत्र। स्वामी हूं मैं तुम्हारा, मैंने कहा दृष्टि नीचे करो। क्षमा कर दीजिए भद्र पालक, अभी अबोध मैं ये आंगन पुनः स्वच्छ कर देती हूं। रोहिताश्य जाओ पुत्र, अपनी कुटिया में जाकर विश्राम करो, मैं ये सारे कार्य समाप्त करके आती हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे पुत्र मैं यही तो हूं, अभी आ जाऊंगी, जाओ। मन में चिंता क्यों जाग रही? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ अशुभ हुआ? सेवक, मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूं, जो शव आए उसका अंतिम संस्कार करना, और हां पहले मूल्य लेना, शव वस्त्र प्राप्त करना, उसके पश्चात ही अंतिम संस्कार होगा। होता है कि राजा हरिश्चंद्र को सत्य का पता चलने वाला है शनि। जिस सत्य से वे भाग रहे थे उसका भान होने को है। सत्य तो उनके समक्ष ही था राजर्षि, बस राजन उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, और वो इस सत्य को स्वीकार कर, इसलिए हमें उनकी इतनी कड़ी परीक्षा लेनी पड़ी। कैसे वो अपने कर्म को अपने बंधनों से अधिक महत्व देंगे, उसी क्षण उनकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। सत्य कहा तुमने। राजर्षि,
भाभी, एक शव अपने अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मृत्यु कभी सुखद नहीं होती देवी। तुम्हारे इस प्रियजन की मृत्यु पर मुझे खेद है। क्या संबंध था इससे तुम्हारा? और इसके पिता? हैं तो कहाँ है? पता नहीं। ईश्वर तुम्हें ये पीड़ा सहने की शक्ति दे देवी। समय भी कितना निष्ठुर होता है। एक दूसरे को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करने वाले पति पत्नी एक दूसरे को पहचान नहीं रहे। अंतिम संस्कार करना है ना? घाट पर संस्कार का मूल्य देना होगा। धन नहीं है मेरे पास। तो मैं क्षमा चाहूंगा देवी। मेरे स्वामी का निर्देश है कि बिना मूल्य लिए इस घाट पर किसी का अंतिम संस्कार ना कर। तुम्हें इसे किसी और घाट पर ले जाना होगा। दया कर बद, दया कर, मैंने तो बड़ा घाव दिया है, इसे और मत करो ना। मेरे वश में होता तो मैं निःशुल्क तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर देता, परंतु मैं विवश हूं। स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध जाना अधर्म होगा। अंतिम संस्कार करना है तो घाट का शुल्क तो चुकाना ही होगा। ये भद्र ना करने से पूर्व एक बार इस मृतक का मुख तो देख लीजिए, कदाचित आपका विचार बदल जाए। मरने के पश्चात हर शरीर केवल शरीर होता है, ना उसका नाम रह जाता है और ना ही पहचान। मैं यहां अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा बिना शुल्क। दाह संस्कार नहीं होगा। उचित कहा, परंतु आप तो जीवित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार इस बालक का मुख देख लीजिए। अन्यथा पश्चाताप होगा। क्यों होगा पश्चाताप? क्या है इसके मुख में जिसे देखकर मैं? तो
सुमति। आर्य, आर्य। क्षमा कर दीजिए, मैं अपने पुत्र को सुरक्षित नहीं रख पाई। ये सब कैसे कैसे तारामती? सरुंदान जी, हमारे पति को तड़पने डस नहीं आता। मैं जानता हूँ ये तुमने किया है राहु। मुझे रोकने के लिए तुमने अपनी सीमा पार कर दी है, परंतु मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं वो कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा जिसके लिए महादेव ने मुझे मृत्युलोक में भेजा है। बताइए आर्य, क्या क्या आप अपनी पुत्री का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे? राजा का कर्तव्य होता है स्वामी के आदेश का पालन करना, जो इन्हें विवश करता है कि किसी का भी दाह संस्कार बिना शुल्क के ना किया जाए। क्या कहा था आपने राजन, सभी शव समान होते हैं, मरने के पश्चात ना नाम रह जाता है, ना परिचय और ना ही संबंध, है ना? जब मैंने ये वचन कहे थे तब इनका अर्थ मैं समझा नहीं था, परंतु अपने पुत्र का शव देख मुझे अनुभव हो कि सत्य में सारे शव एक समान होते हैं और मृतक क्या जीवित प्राणी का भी स्वयं का कोई परिचय नहीं होता। उसका परिचय होता है उसके कर्म से, उसके कर्तव्य से, उसके धर्म से। और सत्य ये है कि वो केवल एक भेड़ी है। हम सब संसार में अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। कोई संबंध, कोई परिचय साथ नहीं रहता। यदि साथ रहता है तो उसके किए कर्म और मेरा कर्म था संस्कार करना, और मेरा धर्म कहता है कि अपने स्वामी के आदेश का पालन करूं कि निःशुल्क किसी का भी इस घाट पर अंतिम संस्कार ना हो ले तू। और यदि मैंने ऐसा किया तो यह असत्य होगा और मैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए वचनबद्ध हूं।